हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर राइटिंग। तो इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ कैसे आप लाइटरूम मोबाइल में अपने फोटो को रिटच कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फोटो एडिटिंग का कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लाइटरूम मोबाइल ओपन करना पड़ेगा। लाइटरूम मोबाइल ओपन करने के बाद आपको लाइट में आना पड़ेगा। लाइट में आने के बाद आपको कंट्रास्ट को 31 कर लेना है और हाइलाइट्स को -25 कर लेना होगा, और नेक्स्ट आपको शैडोज को 24 रख लेना है और वाइट्स को -20 कर लेना है और ब्लैक्स को -4 रखना होगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा फोटो में लाइट आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारा कलर ग्रेडिंग पर। कलर ग्रेडिंग करने को आपको कलर में आना पड़ेगा। कलर में आने के बाद आपको कलर मिक्स में आना पड़ेगा। कलर मिक्स में आने के बाद आपको ऑरेंज कलर चूज करके इसका लुमिनेंस को +20 कर लेना है। तो नेक्स्ट आपको येलो में आना होगा। येलो में आने के बाद आपको ह्यू 54 रख लेना है और सैचुरेशन को +32 रख लेना है और लुमिनेंस को -21 रख लेना है। तो नेक्स्ट आपको ग्रीन में आना होगा। ग्रीन में आने के बाद आपको ह्यू को +31 रख लेना है और सैचुरेशन को +28 रख लेना है। तो नेक्स्ट आपको लुमिनेंस -14 रख लेना है। तो यहाँ से होने के बाद आपको ब्लू में आना होगा। ब्लू में आने के बाद आपको ह्यू को -24 रख लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्काई में कलर चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट आपको सैचुरेशन को +28 रखना होगा। तो लुमिनेंस को +17 रख लेना है। तो यहाँ से डन करके आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको नेक्स्ट कलर ग्रेडिंग में आना होगा। कलर ग्रेडिंग में आने से पहले, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो नेक्स्ट आपको कलर ग्रेडिंग में आना होगा। कलर ग्रेडिंग में आने के बाद आपको शैडोज में आना होगा। शैडोज में आने के बाद आपको ह्यू को 257 और सैचुरेशन को 17 रख लेना है। नेक्स्ट आपको मिड टोन में आना होगा। मिड टोन में आने के बाद आपको ह्यू को 234 रख लेना है और सैचुरेशन को 15 रख लेना है। तो नेक्स्ट आपको हाइलाइट्स में आना होगा। हाइलाइट्स में आने के बाद आपको ह्यू को 220 रख लेना है और सैचुरेशन को 24 रख लेना है। तो यहाँ से डन करके आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको कलर में थोड़ा एडजस्ट करना होगा। कलर में एडजस्ट करने के लिए आप टेम्प को +9 कर लेना है और टिंट को +6 कर लेना है और वाइब्रेंस को भी +6 करना होगा और सैचुरेशन को +4 रख लेना है। यहाँ से कलर एडजस्ट होने के बाद आपको इफेक्ट में आना होगा। इफेक्ट में आने के बाद आपको टेक्स्चर को -4 रख लेना है और क्लैरिटी को +10 रख लेना है। तो नेक्स्ट आपको डैश को +8 रखना होगा और विग्नेट को अपने फोटो के हिसाब से रखना होगा। तो नेक्स्ट आपको मिड पॉइंट को 61 रख लेना है और फर्दर को 70 रख लेना है। तो नेक्स्ट आपको डिटेल्स में आना होगा। डिटेल्स में आने के बाद आपको शार्पनिंग को 15 रख लेना है और मास्किंग को 62 रखना होगा। नेक्स्ट आपको नॉइज रिडक्शन को +6 रख लेना है और कलर नॉइज रिडक्शन को 14 रखना होगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा फोटो कम्प्लीटली रीटच हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर। तो आप इसी तरीके से अपने मोबाइल में एडिट कर सकते हो। तो आई होप गाइज, इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना, और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।